दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो 52 एप्स के बारे में डिटेल शेयर करूंगा जो इंडियन इंटेलिजेंस ने सरकार को दिया है और रिकमेंड किया है इन्हें ब्लॉक करने का या फिर इन एप्स को यूज नहीं करने का। इस लिस्ट को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने भी बैक किया है, तो ये बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही थोड़ी डिस्कशन चाइना के माइंडसेट के ऊपर भी करेंगे कि वो क्या सोचता है और क्यों सोचता है, और इतिहास में घटे एक प्रसंग को जोड़कर हमें यानी हम भारतीयों को किस चीज से सचेत रहना होगा। तो आइए ज्ञान का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों ऐप्स का लिस्ट देने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा इतिहास के उस वक्त में जिन्हें ओपियम वॉर के नाम से जाना गया। ब्रिटेन ने दो बार चीन के साथ युद्ध किया, पहला 1839 से 42 तक चला, दूसरा 1856 से 60 तक, 4 साल तक चला, जिसमें दोनों बार चीन को हार का सामना करना पड़ा और करोड़ों रुपये ब्रिटेन को वॉर पेनल्टी के तौर पर देने पड़े। नहीं सिर्फ पैसे बल्कि बहुत से टापू, अगर एक अंदाजा लगाया तो तकरीबन 235 टापू भी ब्रिटेन ने अपने नाम करवा लिए थे 99 ईयर्स की लीज के ऊपर, जिनमें से हांगकांग भी एक था जो हाल ही में 1997 को ब्रिटेन ने वापस सौंपा। दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि चाइना उस स्थिति तक, मतलब युद्ध की स्थिति तक क्यों पहुंचा, उससे भी बड़ी बात कि वो दोनों युद्ध बुरी तरह से क्यों हारा। दोस्तों कारण था एक व्यापारिक कंपनी की या फिर कहो कि व्यापारिक देश की मुनाफाखोरी की, यानी पैसा, खूब पैसा कमाने के लालसा, और वो भी किसी भी कीमत पर, किसी की जान की कीमत पर या किसी दूसरे देश की बर्बादी की कीमत पर। और वो देश था इंग्लैंड, जिसकी क्रूरता के बारे में हमें और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश कंपनियाँ 1700 के अरसे से चीन में आधिकारिक तौर पर अफीम की एक्सपोर्ट करती थी। उस जमाने में अफीम विविध दवाइयों में और दूसरी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में बनाने में यूज होता था। ब्रिटेन भारत से अफीम उगाकर चाइना को बेचता था। भारत में खासकर बंगाल में अफीम की खेती की जाती थी, मैं कहूँगा की नहीं जाती थी, ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, और वो चाइना भेजी जाती थी वहाँ से। धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनियों ने चीनियों को अफीम की लत का आदि बना दिया और पैसा कमाने की लालसा में अवैध तरीके से अपना अफीम चीन में घुसाने लगे। कुछ सालों में चीन का एक बड़ा वर्ग, जिनमें खासकर मर्द लोग शामिल थे, वे अफीम की एकदम आदी बन गया और पूरा दिन नशे में पड़ा रहने लगा, जिनका वहां के सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन पर बहुत भारी असर पड़ने लगा। नशेखोरी का आलम ये था कि घर में खाने का कुछ ना होकर भी घर के मर्द अफीम के नशे में धुत पड़े रहते थे। मजदूर काम पर नहीं जाता था, किसान खेत पर नहीं जाता था, और धीरे धीरे सब बर्बादी की ओर आगे बढ़ ही गया था। उस वक्त के राजाओं ने स्थिति संभालने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें युद्ध झेलना पड़ा, और वो भी वो बुरी तरह हारे, क्योंकि सेना के सिपाही तक अफीम के आदि हो चुके थे। तो आज का चाइना अपने इतिहास से पूरी तरह सबक ले चुका है कि किसी भी देश को जितना हो सके उतना कमज़ोर बनाए रखो और इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो कि वो अपने सामने लड़ने के लिए आने से पहले 100 बार सोचे। और आज का चाइना ये पिछले 30 साल से पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। चीप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपना सिक्का जमा कर उसने पूरी दुनिया को अपना आदि बना दिया है, और उसकी आड़ में वो किसी भी देश के सामने गलत तरीके से मनमानी करता है, जिनमें हमारा भारत भी एक है। अब मैं सीधा आज की सिचुएशन की बात करता हूँ। मैं बॉर्डर डिस्प्यूट के इश्यू में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट उसके बाद की आज की कंडीशन की बात करूँगा, जहाँ पर बॉयकॉट चाइना की बात हो रही है। यहाँ पर आज के सोशल मीडिया के कुछ बुद्धिजीवी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हमें चाइना को हराना है तो उनसे बिजनेस में मुकाबला करें, उनसे अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट बनाकर जीतना चाहिए। तो मेरे मन में सवाल आता है, क्या ये 1-2 दिन में हो जाएगा, ये 1-2 साल में हो जाएगा? जिस चीज़ का आदि चीन हमें पिछले 30 साल के सेटअप से बनाया है, उसको हम कितने साल में इक्वल कर देंगे? और मुख्य सवाल, मेन क्वेश्चन ये है कि तब तक हम क्या करेंगे? जैसे चल रहा है वैसा ही चलने दे? हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर गांधी जी ने इस तरह सोचा होता कि पहले मैं विरोध करने लायक बन जाऊँ, एक ज़बरदस्त लीडर बन जाऊँ, लाखों लोग जब मुझे फॉलो करने लगे तब जाकर अंग्रेज़ों को ललकारूँ। अगर सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा सोचा होता कि पहले मैं कुछ लाखों की फौज बना लूँ फिर लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। भैया शहीद भगत सिंह ने पार्लियामेंट में सिर्फ धमाका करने वाला बम फोड़ा था, क्यों? क्योंकि उनका मकसद अपने इरादे जताने का था, और हमें भी अपने इरादे जताने होंगे चीन को। सरकार अपना काम कर रही है, सेना के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चाइना के जोश को ऐसा हिलाकर रख दिया है कि गलवान वैली में धोखा देकर हमला करने के बावजूद खुद के दुगने से ज़्यादा सिपाहियों से हाथ धो बैठे।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला हमले के बाद 8 घंटों तक हाथापाई चली, जिसमें हमारे वीर सैनिक पूरी तैयारी में नहीं होने के बावजूद भी चीनियों को खोज खोज कर पकड़ पकड़ कर मारे है। और आगे का काम हमें सौंप कर कहा है कि अब अंदरूनी मोर्चा आप संभालो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1962 की वॉर के बाद हमारा चाइनीज फौज के साथ 3 बार क्लैश हुआ है, 67 में, 75 में और 89 में, और तीनों बार हमारी फौज उन पे भारी पड़ी है। और ये बात चाइनीज फौज अच्छी तरह से जानती है और डरी हुई है। हमें ये डर कायम रखना है, तो उठाइए फ़ोन और लात मारना शुरू कीजिए इन ऐप्स को। पूरा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। मैं अभी उसके पूरे नाम एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहला नाम आता है टिकटॉक का, जिसने कुछ पगलों को और पागल बनाया रखा है। उसके बाद आता है वॉल्ट हाइट, उसके बाद वीगो वीडियो, बीगो, वेबो, वी चैट, शेयर इट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, क्वाई, रोम वी, शेन न्यूज़, टॉक, फोटो वंडर, एपस ब्राउजर, वीवा वीडियो, वीडियो एनसी, परफेक्ट कॉप, सी एम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, हाई सिक्योरिटी लैब का, उसके साथ ही में एम आई कम्युनिटी से जुड़े हुए डी यू रिकॉर्डर, यू केम मेकअप, एम आई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, 3U बैटरी सेवर, डी यू ब्राउजर, क्लीनर, प्राइवेसी, क्लीन मास्टर, चीता, कैच क्लियर, डी यू एप्स स्टूडियो, बेदू ट्रांसलेट, बेदू मैप, वंडर कैमरा, एक्सप्लोरर, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू लॉन्चर, सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू प्लेयर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू मेल, न्यूज फीड, वी सिंक, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, एम आई वीडियो कॉल, जियोमी एंड पैरेलल स्पेस। तो उठाइए फोन और लात मारना शुरू कीजिए इन ऐप्स को। वीडियो खत्म करने से पहले ज्ञान की बात, सभी चाइनीज ऐप्स को रिमूव करने वाली ऐप जो रिमूव चाइना ऐप थी, भले ही प्ले स्टोर से निकाल दी गई हो, आप उसे फिर भी पा सकते हैं। नेट एक ही सर्वर से नहीं चलता है भैया, एक ढूंढो हजारों मिलते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो कैसा रहा आज का ज्ञान, लोड लगा या फिर डाउनलोड हो गया इजीली? अपना तो यही मानना है कि ज्ञान नॉलेज कभी लोड नहीं लगना चाहिए, बल्कि वो तो इजीली डाउनलोड हो जाना चाहिए। और इसी फंडे के साथ हम आपके सामने नई नई अनजानी अनसुनी ज्ञान की बातें, मेनली जनरल नॉलेज की बातें मज़ेदार तरीके से लाते रहेंगे, जिससे कि वो लोड ना लगकर इजीली दिमाग में डाउनलोड हो सके। तो दोस्तों, आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और जानकारियां पाने में इंटरेस्टेड है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, और साथ में ही दी गई मंदिर की घंटी को भी बजा दे, जिससे आपको पता चल जाए जब भी हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रकट हो। तब तक के लिए ज्ञानी यानी भवा।